धन्यवाद प्रार्थना से। परमपिता आपका चरणों पर हम लोग आया अभी इस रविवार, हमारा साथ आप है इसलिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा साथ प्रियंका ग्रुप, श्याम ग्रुप, हमारा जज और डॉक्टर मुन्नी और महेश और जॉनी जो उनका परिवार, और हमारे साथ टेडी चैनल जो नया लोग यहाँ पहली बार कदम रखा, उनका साथ भी आप रहिए। मैं बहुत शुक्र गुजारना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से, सब लोग यहाँ आके शिक्षा प्राप्त कर रहा है और उनका दिया जो फर्ज है वो निभा रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज सब लोग से आप ही आप प्रवचन आप ही बताओ, परमपिता आप बच्चों से बात करिए और सुसमाचार प्रकट करने का मुझे असर दे दो और शक्ति दे दो, मजबूत बनाओ, पवित्र आत्मा से जोड़ी बनाकर आगे ले जाइए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका कृपा से, दया से, और जो भक्ति गीत गा रहा है उनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जाने जो और हिंदी क्वायर के लिए आज मैं पहली बार जो लोग आ रहा है उनके लिए, परिवार के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन लोग को आशीष करो, आगे बढ़ने का विदा करो, यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमेन। मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। मैंने तुम्हारी की और चंगा किया। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा, भक्तों और भजन गाओ, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने लगा। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझे को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर कि जब मैं कब्र में चला जाऊँगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन मुझका अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो, तूने मेरे लिए विलाप नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतारवक मेरी कमर में आनंद का फटुका बांधा है। एक साथ पढ़ेंगे, ताकि मैं आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो, मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। आज का पाठ देखेंगे इब्रानियों से अध्याय 11 पद संख्या 1 से 6 तक। विश्वास का उदाहरण। आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धार्मी होने का गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से अनहोन उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसकी उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसके परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हम सब लोग स्वागत करते हैं, आपका जो फर्ज है वरदान है, वरदान आप फेस करने के लिए मौका मिलेगा। मैं बाइबल संदेश में जाने के लिए मैं एक बार विनती करता हूँ, इसमें एक बात पढ़ेंगे हम लोग,
हिब्रानियों के नाम, हिब्रू चैप्टर 11 और वर्सेस यहाँ देखते हम 4 से निकल पढ़ के नीचे तक आने से यहाँ लिखा है विश्वास के कारण वह मरकर भी बोल रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। परम पिता, और एक बार आपके चरणों पर हम लोग आया है, धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हुआ मजबूर नहीं हूँ, मजबूत बनाओ, बहुत मजबूर हूँ, और आपका पवित्र आत्मा से मुझे बलवान बनाकर जो कुछ आप प्रवचन देने के लिए तैयार है, जो प्रवचन आप दे दिए अभी इब्राहिम और हनोक और हबेल के लिए, हम लोग यहाँ हम लोग पढ़कर जानने के लिए हम लोग तैयार है। आपका आत्मा से हम लोग जोड़ कर आगे बढ़ाओ। यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना समर्पित करता हूँ। यहाँ लिखा है विश्वास के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्वास के कारण उन लोग क्या किया। यहाँ लिखा है विश्वास के कारण हबेल ने कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई, कहीं से भी अधिक बलि, श्रेष्ठ बलि चढ़ा दिया। विश्वास का कारण, हम लोग भी विश्वास करके इंदी आराधना में मंदिर में हम लोग आया, जो आप पहले कदम रखा या हर रविवार आप आ रहे हो, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ विश्वास से हम लोग कुछ भी भगवान का मतलब यीशु मसीह का काम करना चाहिए। पहले विश्वास से हम लोग उनसे जोड़ना चाहिए, विश्वास से हम लोग चलना चाहिए। जो विश्वास है उसको बोलते हैं, और एक पद में हम लोग बोल सकते हैं यकीन करना, उसको यकीन करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनको बिना यकीन करके हम लोग एक कदम भी डालने से भी वो फायदा नहीं है, वो पूरा फायदा नहीं है, सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा हम लोग। जो कुछ काम करो, जैसे मैं बाइबल संदेश मैं दे रहा हूँ यकीन से, और मैं बाइबल संदेश दे रहा हूँ उसका ऊपर बोझ डालकर विश्वास से प्रार्थना से, अगर मेरा साथ परमपिता है वो मुझे चलाएगा, वो मुझे बोलने के लिए आवाज़ देगा। क्योंकि बोल में बीमार मतलब बुखार था मुझे, कल मैं ना बोल पाने वाला था और स्वर भी ठीक नहीं था, इतना बुखार में भी मैं सोचा संडे में काबिल नहीं होगा, नहीं बात करना, बात करने के लिए नहीं होगा, संदेश देने के नहीं होगा। इसमें प्रार्थना किया और उसके ऊपर बोझ डाला, विश्वास किया वो है खड़ा करके हम लोग को वो चलाने वाला। इसलिए आज सुबह मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने के लिए काबिल बना दिया, उस विश्वास से मैं प्रार्थना किया, वो प्रार्थना सुनकर परमपिता स्वर्गीय पिता ने आपके सामने मुझे ऐसे खड़ा होकर बोलने के लिए वो मजबूत बना दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो कुछ काम भी विश्वास से करना है, जो बोझ है उनको ऊपर डाल दो। जो सब सारा संसार को चलाने वाला, जगत को चलाने वाला, हम लोग को चलाने वाला, क्योंकि मैं सब लोग को यकीन किया और सब लोगों का साथ चला, सबको विश्वास किया, सबको विश्वास करने के बाद क्या मिला, मतलब धोखा खाया, और धोखाबाजी है इस दुनिया, और कोई भी बेईमान है, सब लोग वफादार नहीं है। कोई भी किसी लोगों के आप यकीन करने से, विश्वास करने से, उन लोग इतना अच्छा वाला नहीं है, बुरा है सब लोग। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ऐसे क्यों मैं बात कर रहा हूँ, मेरा अनुभव है विश्वास के कारण, विश्वास के अनुभव से इन लोग बोल रहा है, उन लोग बोल रहा है माटी में, उन लोग मिट गया। हानुक है अभी, हैनोक नहीं है, हबेल है, हबेल नहीं है, और कैन नहीं है, इब्राहिम नहीं है, दाऊद नहीं है, सब लोग मिट्टी में मिट गया, मिल गया। जो उन लोग हम लोग है, ऐसे शरीर से हम लोग नहीं पा सकेगा, आप नहीं देख सकेगा, लेकिन उनका बोल रह गया, विश्वास के कारण उनका बोल रह गया। क्या बोलता उनका, ऐसे हबेल ने और कैन से अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाया, और वो क्या बोला, बलि चढ़ाया यहोवा को, बलि चढ़ाने से क्या होगा, वो बोलता है बलि या आपका जो काम बोलता है आपसे, आपसे मुंह मुझसे बोलना वो एक बात है, जब आप नहीं बोलते हो तो काम करते हो, वो कामों में आपका बोल रह जाती है।
जो आप काम अच्छा सफलता से करते हो वो भी रह जाएगा दुनिया में और जिंदगी में सब लोगों को ये बोल रह जाएगा। और मट्टी में मिल जाने वाला जो शरीर और जो आवाज नहीं होगा, जिनका काम है श्रेष्ठ से अधिक से विश्वास से उन लोग किया वो काम रह गया। उनका बलि चढ़ाया उन्हें श्रेष्ठ अधिक बलि, वो कैन से ज्यादा अधिकता श्रेष्ठ था, इसलिए हैबेल का जो बलि अभी हमसे बोलने लगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलने वाला मैं हूं, अभी मेरा स्वर है आवाज से बोल रहा हूं, लेकिन हैबेल का बलि जो चढ़ाया श्रेष्ठ से वो मैं बोल रहा हूं। कैसे चढ़ाया? वो इतना अच्छा से अधिक श्रेष्ठ से चढ़ा दिया, वो श्रेष्ठता रह गया। वो श्रेष्ठता जिंदगी में नहीं दुनिया में और संसार में रह गया। इसलिए संसार के बाद बात करते हुए जो श्रेष्ठ बलि चढ़ाया हैबेल ने, उनका बात जो बोल है, उन लोग मर चुका लेकिन उनका बात उनका बोल रह गया। बोल मतलब मैं कुछ बोला यहां, जब मैं मर जाने के बाद अगर वो फादर था, वो सब लोग बोल रहे मोटा हो जाओ, पतला था, दुखा नहीं है, वो एक बोल बोला, अगर आप मन से स्वीकार करने से वो बोल अच्छा जो बोल है रह जाएगा। किसके लिए मैं प्रवचन बोला, अगर वो फिलफिल हुआ, अगर कुछ प्रार्थना किया, अगर मैं अच्छा बात बोला, इसलिए एक बोल एक बात, वो बात जो बोल है मेरा स्वर से आया, मुंह से आया, वो बात अगर आप दिल से अगर रखेगा, दिल में रखेगा, दिल में समाएगा, दिल में छापेगा, दिल में रखेगा, जब वो बोल मर जाने के बाद बोलेगा यार मनोहर बोल रहा है, यार मनोहर यहाँ नहीं है, 2017-18 में है, अगर आगे देखो नहीं है, अगर उसका बाद भी जो साल वर्ष गुजर जाएगा अपना जिंदगी में, मैं यहाँ जो बात बोला अगर आप वो बात को मन में लेगा, श्रेष्ठ बात करके लेगा, अगर वो फादर है, फादर तो सबको वीकनेस बन गया आजकल, फादर का काम जो सादा सीधा काम नहीं है, बहुत बोझ उठाने का काम है, वो काम में हमारा जो जिंदगी है वो गम है, पूरा कष्ट है, जो दुख है, उनके लिए मैं हम लोग नहीं बात कर रहा, अनुभव से जो बोल रहा है, पवित्र आत्मा से जो बोल रहा है, बाइबल जो बोल रहा है, जब वो बोला वो बात माना, ऐसे मर्यादा दिया आपने, वो बात मर्यादा से अंदर डाल दिया, उसको ध्यान किया, और मैं चले जाऊंगा, ऐसे मृत्यु में चले जाऊंगा, मैं मर जाने के बाद मेरा बात आपको बोलेगा, यार ऐसे बोला था वो श्रेष्ठता अधिक बोलता, वो बोल रह जाएगा। इसलिए बात करने में हम लोग बाइबल और बात बोलने के बाद यीशु मसीह का संदेश हम लोग सुनने के बाद उनका बोल रह जाना चाहिए हमारा अंदर, सुनना चाहिए अंदर रहना चाहिए, सुन रहे क्या सुन रहे आप वो भी अच्छा देखना चाहिए, व्हाट यू आर लिसनिंग यू मस्ट लिसन केयरफुली। इसमें जेम्स में याकूब में कहता है आप क्या सुनते हो वो सुनने वाला, अच्छा बात जो सुनो क्या बात है वो सच्चा है बुरा है, ऐसे एनालाइज करने का जो आत्मा हम लोग दे दिया, इसलिए उनका बोल रह गया। हैबेल का बोल है, इसलिए हैबेल नहीं है अभी, मैं बोलूंगा कि एक चित्रपट बनाकर दिखाऊंगा हैबेल ये है करके, लेकिन हैबेल को ऐसे शरीर से आप नहीं देख सकता, लेकिन उनका बोल रहेगा श्रेष्ठ अधिक बलि चढ़ाया वो बलि रह गया। ऐसे श्रेष्ठ अधिक बलि कोई नहीं चढ़ा सकेगा, बेहतर किया वो, जो काम करते हो बेहतर करते हो नहीं, अच्छा ना, बेहतर डॉक्टर क्या मतलब, बेहतर सबसे बेहतर करता है, से डॉक्टर्स कॉमन नाउन, डॉक्टर कॉमन नाउन, व्हेन यू टेक वन स्पेशल नेम एंड अ स्पेशल डॉक्टर लाइक लास्ट मंथ वी हैव सीन विज्ञान प्रकाश, इज एन अ बेहतरीन डॉक्टर है, बेहतर है वो, इज अ डिफरेंट, इज एन अ प्रॉपर नाउन, बिकॉज हम लोग एक ही डॉक्टर का नाम ले रहा है, इज अ कॉमन डॉक्टर, प्रोफेशन इज कॉमन टू ऑल, व्हेन आई कॉल डॉक्टर हु विल कम, दिस डॉक्टर इज देयर, विज्ञान प्रकाश डॉक्टर इज देयर, सो मेनी डॉक्टर्स विल बी देयर, दे कम, बट व्हेन आई कॉल डॉक्टर विज्ञान प्रकाश देन पर्टिकुलर पीपल, उनका बोल रह जाएगा, उनका बोल रह गया था, सब लोग उनका बारे में गवाह दिया, तो अच्छा डॉक्टर है,
जो गरीबों को अच्छा देखता है। ऐसे मर जाने के बाद हम लोग ऐसे याद रहना चाहिए, ऐसे हम लोग एक मोहरा बन के चला जाना चाहिए। जब आपका जिंदगी कैसे गुजारा वो याद नहीं रहेगा, जिंदगी आपका जिंदगी बोलना चाहिए सब लोगों, यार ऐसे जिंदगी बिताया, श्रेष्ठ अधिक बलि चढ़ाया भगवान के लिए, वो श्रेष्ठ बोल बोल के चले गया, श्रेष्ठ जिंदगी जी के चले गया, वो जिंदगी सबके लिए आदर्श है, आदर्श जिंदगी सबका बोल बनेगा। और मट्टी में मिल गया, मिट गया, मिट गया, मिट जाने वाला का मूल नहीं, वो मूल रह जाएगा, लेकिन उनका जो बात है दुनिया में रह जाना चाहिए। आपका बात रह जाएगा, मैं बोल रहा हूं, ऐसे कोई है हबेल जैसे अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ा के, बलि मतलब सबको बलि दे दो नहीं बोल रहा हूं, देख ऑफरिंग इन द सेंस यू कैन ऑफर कैज एंड बुल्स एंड सम डोज एंड समथिंग, नाउ ऑफरिंग इज ऐसे कलेजा और दिल को काट कर देना भगवान को, वही है बलि। और आपका दिल को कंटेंट हार्ट एंड ब्रीस एंड ब्रोकन, उसको ऐसे हम लोग बलिदान करना चाहिए, ऐसे श्रेष्ठ बलि हम लोग देने से याद रह जाएगा। अब जब जो बोल है परमपिता वो बोलेगा, मैं हनोक और हबेल उनके लिए बोल रहा है विश्वास के कारण। आप विश्वास के कारण क्या कर सकते हो, मैं बोलता मेरे को विश्वास है भगवान के ऊपर, इतना यकीन करता हूँ परमेश्वर को, यार मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का मंदिर आता हूँ, मैं जो कुछ काम करता हूँ उनका बिना ऐसा करके बिना नहीं जाता हूँ। विश्वास का कारण आपने क्या किया, उसको क्या किया, ऊपर वाले को ऐसे गाना गाया, ऊपर वाले करके गाना गाया, ऊपर वाले तो ऊपर वाला है, आपको वो विश्वास करता है, लेकिन उनको विश्वास करने में आपने क्या किया, वो अपना अपन को विश्वास करने से अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह को यहां मतलब इस संसार को भेज दिया, और संसार में उनका लहू उनने यीशु मसीह ने लहू बहाया और सबके लिए बलिदान हो गया। वो बलिता श्रेष्ठ बलिता, उनसे ज्यादा बलि कोई नहीं, कुर्बान कर दिया, कोई कुर्बान होगा उसके लिए, कोई कुर्बान होके मिशनरी बनेगा, कोई कुर्बान होके उसका सुसमाचार बढ़ाएगा, उनका कुर्बान करके क्या श्रेष्ठ मतलब भाग और पार्ट हम बन सकते हैं उनका, क्या श्रेष्ठ पार्ट बन सकते हैं आप उनका, क्या श्रेष्ठ पदार्थ दे सकते हैं आपका, आपका श्रेष्ठ का आप शरीर, आपका कलेजा, आपका दिल आप दे सकता है, वो बोलिए। कयून जैसे नहीं है हबेल। और आनु के लिए हम बात करेंगे, विश्वास के कारण वो मृत्यु का अनुभव किए बिना क्या हुआ, हानोक आरोहित कर लिए गए, आरोहित हो गया वो, कर ले गया उनको परमपिता ने विश्वास के कारण। क्या विश्वास के कारण उनको ले गया, ऐसे हानुक ने उसको विश्वास कर दिया मतलब यकीन किया तो ऐसे ले जाएगा, अगर मैं बोल रहा हूं मैं विश्वास कर दिया परमपिता को ऐसे ले जाएगा, कुछ काम नहीं है। तो यहां लिखा है देखिए, फिर हम यहां पढ़ेंगे 5 हिब्रू चैप्टर 11 एंड 5 नीचे मैं पढ़ रहा हूं, फिर नहीं दिखाई पड़े और क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित की गया, उनको आरोप वो दिखाई नहीं पड़ा, आरोहित हो गया वो, अगर ये लिखा है आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर के कृपा प्राप्त बन गए थे, कृपा प्राप्त बन गए थे, इसलिए विश्वास के कारण ले गया वो हानुक ने, हैज वॉक्ड विद गॉड, बट हाउ यू वॉक इन द सेंस, उसने उससे कृपा प्राप्त किया मतलब उसका साथ चलने लगा, वो बोलना चाहता हूं तेलुगु में ऐसे, उसका साथ चला, उसे कदम रखते हुए पैदल चलते हुए उसका साथ कदम चलाया, वो कदम रखा, वो आगे बढ़ा, जैसे यहोवा परमपिता स्वर्गिक पिता चल रहे थे वैसे चला। ये चलने के लिए क्या बोलते हैं, जिंदगी बिताना, कैसे जिंदगी बिताते हैं आप, आपका जो हस्बैंड है वो चलते हैं, आप ऐसे उनका पत्नी चलती है, लेकिन बच्चा उनका बाप जैसे चलते हैं, लेकिन ओके, लेकिन हानुक ने क्या किया, विश्वास किया मतलब विश्वास किया, यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ, स्तोत्रम करता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा चढ़ाता हूँ, ऐसे बोल में नहीं रह गया वो, काम किया, क्या काम, वो
हनोक ने उनका कृपा प्राप्त किया, वो लिखा है वो कृपा प्राप्त करना, परम पिता का कृपा प्राप्त करना, उनका साथ चलना बहुत कष्ट का बात है। सब लोग बहुत तकलीफ होता है, उनसे दिक्कत होती है। कैसे दिक्कत है? अरे मैं किसी का साथ बात करने में दिक्कत होते हैं, व्हेन दे आर नॉट अ गुड पर्सन, दे डोंट नो हाउ टू टॉक, हाउ टू मूव इन द सोसाइटी, एंड दे डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड पास्टर्स समथिंग। एंड वी कॉल रेवरेंड, ओके, वी कॉल मास्टर, वी कॉल टीचर, वी कॉल something something, and how to respect a common man in the society, in the roly poly society, when we don't know, main usse baat karne mein dikkat hoti hai mere ko, aur usse baat karne mein insecure ho jaunga, kyunki un log aage aane se main piche phut ke jaane ke liye hoga, kyunki jahan bolte jahan tum jao un log nahi hasega to unka ghar ko mat jao, jab unka ghar gaya aapka hasi chehra nahi dikhaya, maa main andar ja sakunga nahi, इट्स कॉल हॉस्पिटैलिटी। एंड यह बोल रहा है उनका कृपा प्राप्त कैसे किया, जैसे परम पिता चलता था वैसे ही कदम आगे वो रखने से पीछे चलने के लिए के। ऐसे चलना मतलब हाउ टू लिव, ही हैज लिव्ड विद द लिविंग गॉड, चलना सीखा, कृपा प्राप्त किया। कृपा प्राप्त करने के द्वारा उनको ऐसे आरोहित कर कर ले गया, दिखाई नहीं दिया, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है वो हैनोक ने, लेकिन वो जैसे चला यीशु मतलब भगवान का साथ, ऐसे भी हम चलना चाहे। सही, भगवान का साथ चलना ऐसे सामान्य बात नहीं है, उसका साथ चलना ऐसे छोटी बात नहीं है। सही, हम लोग एक प्राइम मिनिस्टर का साथ चलना आसान का बात नहीं है, आसान है वो आसान का बात नहीं है। इसलिए यहोवा का साथ उन्हें ऐसे चला, इसलिए उनका कृपा प्राप्त करके विश्वास के कारण वो यहाँ दिखा नहीं दे रहा है, आरोहित कर कर ले गया। हम लोग भी ऐसे विश्वास से यहोवा मतलब अभी यीशु मसीह का साथ हम लोग चलना है, साथ निभाना है। हम लोग साथ चलते नहीं है और साथ निभाता नहीं, क्या साथ चलना और निभाना, साथ चलना निभाना बहुत अलग है ना। साथ चलने के लिए तो हाथ पकड़ते हैं चलते, हाथ छोड़ दिया हो गया, और साथ बैठते हैं अच्छा लगा तो उठ के चले गया। साथ चलना मतलब साथ देना भी होगा, चलना मतलब हर बात में हर हम लोग ऐसे रह जाने में बिहेव में हम लोग एप्ट हो जाना चाहिए, ऐसे अंगीकार हो जाना चाहिए, और यीशु मसीहा उन लोग एक्सेप्ट करना चाहिए। रहता है ना, दो कैसे दोस्त बनते हैं मॉल में, प्रियंका जी और श्याम जी, आज राजू नहीं है, कैसे दोस्त बनते हैं आप, कैसे उनका साथ चलते हैं। अरे दोस्त आने बिना वो बाजार नहीं जाता है, दोस्त नहीं आने से कहीं नहीं जाता है, दो का दिल एक ही होता है, उनका जो हॉबी हॉबीज है वो एक ही होता है, उनका जो शेयर करते जो मैटर है एक ही होता है। अगर ये बोला और वो दोबारा और एक बात बोल दिया तो जोड़ता नहीं है, सिर्फ बोलता है उनका साथ देना विश्वास के कारण, उनका साथ चलना साथ निभाना आसान का काम है, बहुत कष्ट है। हनोक ने एक किया कि उनका कृपा प्राप्त कर लिया, इसलिए आरोहित कर लिया, भगवान ने उसे आरोहित कर लिया, मतलब यहां आप मत रहो, मेरा साथ आ जाओ, वहां भी चलो यहां भी चलो, हो गया आप अच्छा चला। और कैसे चला, अरे कैसे चलता है जिंदगी, ये है टीचर मुहावरे, कुछ मुहावरे बताओ इसके बारे में आप, यही भी चला अच्छे से यार, चलना मतलब जिंदगी बिताना, मेरा उसका साथ है ना, मेरा साथ चलना जिंदगी बिताना, और वहां भी चलने के लिए वो बुला दिया। ऐसे कोई मुहावरे मुझे बताओ, यहां नहीं यहां काम पूरा कर दिया, कृपा प्राप्त किया, यहां मेरे साथ ठीक ठाक से चला, वहां भी विश्वास के कारण, वहां मतलब कहां स्वर्ग में यार, वहां मेरा साथ भी चलने के लिए क्या बना, एलिजिबिलिटी प्राप्त कर दिया वो, ऐसे बना वो, ऐसे मुहावरे हम लोग बनाएंगे ऐसे ना। चलना मतलब हम जिंदगी का साथ हम देना होगा, इसलिए ऐसे विश्वास करने से एक बात बोलने से नहीं लेता वो। मैं भी ऐसा विश्वास करके ऐसे बाइबल पठन बोल के मैं खा के फादरी करके ऐसे डिग्रीस रखने से मैं कृपा प्राप्त नहीं करूँगा। विश्वास जो है और
कामों से जुड़ा हुआ है वो। बेहतरीन काम करना है हम लोग, सबसे श्रेष्ठ बलि चढ़ाना है। और यहाँ देखिए उनका बोल रह गया। मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा बोल रह जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ क्या घर बनाया, मकान बनाया, और मैं क्या सोना चढ़ा दिया मेरा बीबी को, और मेरे बच्चों को क्या काम दिलाया, उनमें जानता नहीं हूँ मैं। जब मैं मिट गया मट्टी में, मैं मिट गया मट्टी में, मिल गया कि मेरा बात मेरा बोल रह जाना चाहिए, विश्वास से विश्वास के कारण रह जाना चाहिए। इसलिए मैं किसी को मैं उनका साथ देने के लिए, जो जगत में रहने वाला संसार में उनका साथ चलने के लिए मैं क्या करता हूँ, उनका साथ चलने के लिए इनकार करता हूँ। इसलिए कठोर बनता मैं, इसलिए मैं कठोर जैसा रहता हूँ। पीपल सी मी इन अदर फोल्ड अदर वे इन थियोलॉजिकल कॉलेज ऑल्सो साई इज देयर। आई सेड गिव द अटेंडेंस द पीपल आर कमिंग 5, 7, 8, 9। वो बोला मेरे को बहुत दिक्कत है भाई, क्या बोलता है, मैं आता ही नहीं हूँ। जब मैं नहीं आऊँगा तो क्या करूँगा, बोला जब आप नहीं आएगा तो फ़ोन करके बता सकते हैं ना, नहीं नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दिक्कत है, सच बोलने में दिक्कत है। अगर दुनिया में बोला झूठ बोलो बोलेगा, दिक्कत कहाँ आता है, खड़ा होने में, हवा में। बोला आप चले जाओ मैं देख लूँगा। 3 दिन में देखा 5, 7, 9। क्यों? विश्वास के कारण बेहतरीन जिंदगी नहीं है, विश्वास के कारण बेहतरीन साक्ष्य मतलब गवाह नहीं है, विश्वास के कारण हम लोग वहाँ जाने के लिए सोचते हैं। और दुनिया में हम लोग उनसे मिलने के लिए, वी आर मर्जिंग विद द वर्ल्ड एंड वी आर लिविंग ऑन द वर्ल्डली पैटर्न, दैट वर्ल्डली पैटर्न अगेंस्ट गॉड। सच्चाई बोलना कलेजा रहना चाहिए। क्या था वो? कृपा प्राप्त किया। इसका उनका कृपा प्राप्त करने के लिए मैं, यू कैन सी द अदर साइड ऑफ जीजस समटाइम, अदर साइड ऑफ मनोहर। अदर साइड ऑफ मनोहर मतलब दुनिया में अदर साइड नहीं है, आदत बुरा मजबूर से करने वाला नहीं है। द अदर साइड आई कॉन्ट कॉम्प्रोमाइज, आई वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स, द वर्ल्डली थिंग्स, आई वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज द वर्ल्डली पैटर्न। दैट्स वाई आई एम ए स्केलर लाइक अ बर्ड अलोन, यू नो आई एम अ बर्ड अलोन बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड पैटर्न, आई वॉन्ट एक्सेप्ट। सो मैं क्या बता, बेहतरीन बनो उसका जैसे। यहाँ तो दया, यहाँ तो प्यार वार कोई नहीं कहिए करेगा। हाँ दिक्कत मत बनो, अरे यार मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, मुझे कोई देख रहा नहीं है, कोई मुझे बोल रहा नहीं है, कोई मुझे उसका दोस्त नहीं बनाया, इसके लिए चिंता मत करो। ये दुनिया में दोस्त कब होगा? पैसा बहाओ नदी जैसे दोस्त हो जाएगा। आपका पॉकेट में पैसा है सब लोग आपका पास आएगा, और आपका घर बहुत बड़ा है आपका पास आ जाएगा, और आप फेम कमाते हो नाम कमाते हो जब सब लोग आ जाएगा। जब आप बिना ये सब रह के आपका पास आने वाला कोई है, वो है, वो क्या देखेगा? विश्वास देखेगा। विश्वास के कारण आप क्या किया? बेहतरीन काम किया, श्रेष्ठ अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाया, और इब्राहिम जैसे उनका बात मानकर सब छोड़ के चला, और हानोक जैसे उनका कृपा प्राप्त किया। क्या किया आप उसके लिए? आज हम लोग एक बार सोचेंगे उनके लिए क्या करें। आपका बोल रह जाना चाहिए। सब लोग मिट गए हैं, उनका बोल क्या है? तीसरा दिन हम लोग भूल जाएगा। अगर दुनिया में जो है उनका बोल रह गया, उनका बात रह गया, ऐसा यीशु मसीह मर गया, उनका बात और उनका बोल रहेगा, उनका जो जिंदगी है सब लोग बोलने का ये अमूल्य बन गया, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड और हाउ वी लिव इन द वर्ल्ड इन द होलीनेस ऐसे रहेगा, उनका जैसे कोई नहीं है, उनका जैसे कोई नहीं, बेहतर है वो, बेहतरीन जिंदगी बिताया। हम ऐसे बेहतरीन जिंदगी हम लोग बताएंगे सबसे। डोंट कॉम्प्रोमाइज द वर्ल्ड थिंग्स इज नॉट, और उनके लिए आप आगे करेंगे, और आपका बोल रह जाना चाहिए। कुछ भी करो बेहतरीन करो, डू वॉट एवर। ये बहुत बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। विलियम केरी आपको मालूम है ना, वो बोलता है भगवान के लिए सोचना जो काम है छोटा सोचो मत, उनका जो करना है बड़ा मतलब महान कार्य, ऐसे काम सोचो जो बड़ा कोई नहीं कर सकेगा, श्रेष्ठ अधिक और बेहतर काम।
और उनसे जो आप प्राप्त करने के लिए सोचो वो भी बेहतरीन काम सोचो, छोटा छोटा मत पूछो, खाना दे दो भूखे, मुझे पानी पिला, वो नहीं, मुझको दो वो, आई वॉन्ट हैवन टू कम विद यू, आई वॉन्ट टू वॉक विद यू, आई वॉन्ट टू डू मैरेकल यू गिव मी, तो वरदान पूछो। जो नहीं कर पाएगा आप सब करने वाला सब देने वाला वो मत सोचो, मेरे को बेहतरीन दे दो सबसे अधिक, मैं ऐसे वा काम पूछो, ऐसे वरदान पूछो। सब पूछने वाला छोटा छोटा चीज मत मांगो, जब आप बेहतरीन श्रेष्ठ वाला, ऐसे सब लोग को गॉड वॉन्ट टू सी एसेंट्रिक पर्सन्स, गॉड वॉन्ट टू सी एसेंट्रिक पीपल, नॉट अ कॉमन पीपल, एसेंट्रिक वन, बेहतरीन वरदान जो है उनके लिए देखना चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे, समर्पित करता हूँ। परम पिता आपके चरणों पर हम लोग आए, ये संदेश सबका अंदर छा जाने के लिए दया करो, दिल में उनका समावो और दिल में रख के उन लोग ध्यान करने के लिए विदा करो और मजबूत बनाओ। हमारा बोल रह जाना चाहिए, हमारा बोल मिट्टी में मिल जा नहीं जाना चाहिए और दुनिया में रह जाना चाहिए। ऐसे बोल, ऐसे जिंदगी, ऐसे हम लोग को बनाओ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमीन।